बढ़ेंगे आगे, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शनिवार को राजनांदगांव पहुंची और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रथ का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कृषि मंडी बसंतपुर में आम सभा का आयोजन किया गया और आम सभा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित लोग परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनांदगांव सहयोगी सूर्यकांत यादव जुट चुके हैं। रुक करेंगे सूर्यकांत की ओर। लगातार बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव पहुंची, काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, किस तरह का कार्यक्रम और क्या कुछ उत्साह लोगों के अंदर? जी, मैं आपको बता दूं, भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। 12 सितंबर से यह यात्रा दंतेवाड़ा बस्तर से जो है शुरुआत की गई थी, वहीं यह यात्रा राजनांदगांव पहुंची है, जहां राजनांदगांव के अर्जुनी होते हुए राजनांदगांव शहर के जो है कृषि उपज मंडी में आम सभा का भी आयोजन किया गया। जगह जगह इस परिवर्तन यात्रा का जो है लोगों ने स्वागत किया है। भारी संख्या में जो है लोग इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं खास बात यह रही कि राजनांदगांव की जो परिवर्तन यात्रा है, इसमें गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो आला नेता हैं भाजपा के, वो यहाँ मौजूद रहे। और आज जो है प्रेस वार्ता भी की गई थी। प्रेस वार्ता में भी प्रदेश सरकार पर जो है जमकर बीजेपी ने निशाना साधा और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भी जो है भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो है बनने का भी दावा भाजपा द्वारा किया गया है। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार यहां पर बनने का दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कई तरह के कटाक्ष उन्होंने कसे होंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? जी, निश्चित तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिए हैं और उन्होंने जो है गोबर घोटाला, कोल घोटाला और शराब घोटाला जैसे कई आरोप जो है प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिनसे जो है जनता त्रस्त है। लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है घोटाले के मामले शिकायत आ रहे हैं और इसको लेकर जो है उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा है और कहा कि इस बार जनता जो है जवाब देगी और भाजपा की जो है केंद्र में भी और जो है छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी और लोग जो है डबल इंजन सरकार का जो फायदा लेंगे। बिल्कुल, अगर हम राजनांदगांव की आबादी को समझें, वहां के समीकरण को समझें, इस तरह के समीकरण के तहत अब बीजेपी का वहां क्या प्रभाव पड़ रहा है परिवर्तन यात्रा के जरिए, और पहले अगर पुराना समीकरण समझे तो क्या कुछ था? जी, अभिभाजित राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से केवल अभी सिर्फ जो राजनांदगांव विधानसभा सीट है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक है और 5 जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन शुरू से ही राजनांदगांव जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है जिसमें जीतते आए हैं, अभी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से विधायक हैं और लगातार बीजेपी का गढ़ जो है राजनांदगांव को माना जा रहा था। परिवर्तन यात्रा के दौरान यह यात्रा इसलिए राजनांदगांव में जो है पड़ाव रखा गया और लगातार जनता को जो साधने का प्रयास है बीजेपी द्वारा वो किया जा रहा है और परिवर्तन यात्रा के तहत राजनांदगांव पहुंची और राजनांदगांव के ग्रामीण इलाकों में भी यह यात्रा गुजर रही है और लोगों को फिर एक बार भाजपा को चुनने के लिए अपील की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत अलग अलग क्षेत्रों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।